बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारे पास मौसम इतना मज़े का हुआ है ना, हमने रात से पंखे बंद कर दिए हैं। इतनी कोई सर्दी हुई हुई है ना, गर्मियों में सर्दी की बात लगती तो अजीब है, लेकिन हमारे पास हो गई है इतनी सर्दी। माशाल्लाह बहुत मज़े का मौसम है। अब मैं बनाने लगी हूँ सालन दिन के लिए, नाश्ते के बाद ही बनाने लगी हूँ क्योंकि गैस अभी खड़ी हुई है। मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो मैं सालन बना के रख देती हूँ। भिंडियाँ मैंने काट के रखी हुई थी तो अब मैं बस इनको पका लूँगी। सबसे पहले मैं भिंडियों को फ्राई कर लेती हूँ। किस तरह से मैं भिंडियाँ बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाला है और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं भिंडियाँ। थोड़ी देर मैं इनको फ्राई कर दूँगी। इसको मैंने बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है, जो थोड़ी सी रहती हैं अब मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करते वक्त मैं इसके अंदर नमक भी शामिल करती होती हूँ और सिरका भी डालती हूँ। आज मेरे पास सिरका नहीं है तो मैंने ऐड नहीं किया, वरना मैं थोड़ा सा सिरका भी डालती हूँ, नमक भी। तो इस तरह से नमकीन अच्छी मज़े की भिंडी बन जाती है। नमक पहले डाल दें तो वरना फीका फीका सा टेस्ट आता है भिंडी का। सारी भिंडियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। आगे का प्रोसीजर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करते हैं। पतीली के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और मैंने प्याज भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा हम इनको कर लेंगे सॉफ्ट, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। प्याज मैंने थोड़े से सॉफ्ट कर लिए हैं, इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है और इनको मैंने अलहदा बर्तन में निकाल लिया है। पतीली के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है भिंडियों के अंदर। थोड़ा सा इसे मैं कड़कड़ा लूँगी और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी कूटा हुआ लहसुन। लहसुन मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसका कलर कर लूँगी लाइट सा ब्राउन। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर हमारे पास वो हो क्या कहते हैं उसको, सब्ज़ मिर्चें, तो वो बहुत मज़े की लगती हैं। ज़्यादा पहले मैं ज़्यादा ही इसमें सब्ज़ मिर्चें डाला करती थी, आज मेरे पास थोड़ी पड़ी थी तो इसलिए मैंने थोड़ी डाली हैं। सब्ज़ मिर्चों वाला सालन बहुत मज़े का लगता है भिंडियों का, तो ज़्यादा ही आप डाल के देखिएगा फिर आप बताइएगा कैसा लगता है। मैंने टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और कटी हुई थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें पड़ी थी वो भी डाल दी हैं, और साथ ही मैंने हल्दी भी डाली है। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी क्योंकि नमक मैंने प्याज के अंदर भी डाला था और भिंडियों के अंदर भी डाला था। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर चेक कर लूँगी, उसके बाद ही और ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को अब मैं 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखें, ये अच्छा सा पेस्ट बन गया है इसका। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी भिंडियाँ और साथ ही ऐड कर दूँगी इसके अंदर प्याज, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैं लगा दूंगी दम पे। ये सालन अब दम पे बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। भिंडी मसाला फ्राई, माशाल्लाह मज़े का सालन बन गया है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, ये देखें इतना मज़े का सालन है। खाना मैंने सबको दे दिया है, सबने खाना खा लिया है। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। मैं अपना सालन रोटी के ऊपर रख के आई हूँ क्योंकि मुझे भिंडी का सालन रोटी के ऊपर बहुत मज़े का लगता है। करेले प्याज का सालन हो या आलू बैंगन का सालन हो, तो मैं रोटी के ऊपर रख के ही खाती हूँ। मुझे यह सालन प्लेट या कटोरी में अच्छे नहीं लगते, मैं रोटी के ऊपर खाना पसंद करती हूँ। ये सूट सिलाई कर लिया है मेरी सिस्टर ने। मैं कहा चलो मैं आपको भी दिखा दूँ इसकी डिज़ाइनिंग जो है, मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि किस तरह से सिलाई हुआ है। ये है इसका घेरा और इसके साथ ये पिंक बॉर्डर दिया हुआ था, उससे टुकड़ियां बना के लगाई हैं घेरे पे, और बाजू पे ये डोरी कह लें आप, और साथ ही छोटी सी समोसी लैस वो लगाई है, और ये है इसका गला, गले पे डिज़ाइनिंग की हुई है और साइडों पर इसके लगाई हुई है वही समोसी लैस। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं जाने लगी हूँ मार्केट क्योंकि मेरी सिस्टर जो सूट सिलाई कर रही थी उसकी लेस थोड़ी सी कम हो गई, कहती जा कर ले आओ। तो मैं कहा चलो मैं फ्री हुई हूँ, अब मैं जा कर ले आती हूँ आपके लिए। तो
मैं उन सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करते जाया करें मेरे चैनल को। आप सबकी मोटिवेशन होगी तो मैं ज़्यादा अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। मार्केट में पहुँच गई, जो मुझे लेस चाहिए थी शुक्र है वो मुझे मिल गई है। स्वीटी, स्वीटी क्या कर रही हो? गोद में घुसी पड़ी हो हैं? स्वीटी, स्वीटी थोड़ी देर पहले मैं बैठी हुई थी, मेरी गोद में आके बैठ गई बड़े मज़े से। मुझे डर लगता है गोद में घुस कर बैठ गई, मैं कब आओ अपनी स्वीटी ले जाओ। अब इसकी गोद में बैठ गई आके। स्वीटी, स्वीटी इधर देखो, ऊपर जाने का ऐसे बहुत शौक है, कोई ऊपर जाए तो भाग पड़ती है उनके पीछे, ऊपर चली जाती है। स्वीटी, ये है रात का टाइम। तो रात को सालन ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो सब्ज़ मिर्चें रखी हुई थी, सब्ज़ मिर्चों का सालन बना लेते हैं। तो इसके हम बीज निकाल रहे हैं, इसके अंदर फिर फिलिंग करेंगे मसाले की। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमने सालन बनाया था। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।